हाल ही में बिहार के सीएम और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया, जिसे जानकर आपको हैरानी जरूर होगी। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जितनी संपत्ति है, उससे ज्यादा तो उनके कई मंत्रियों की संपत्ति है। जी हाँ, सही सुना आपने। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार से ज्यादा संपत्ति उनकी सरकार में मंत्रियों के पास है। लेकिन कौन कौन से मंत्री इस लिस्ट में शामिल है, तो आपको बता दें, उन मंत्रियों के नाम है डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव, वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, जल संसाधन मंत्री संजय झा, उद्योग मंत्री समीर महासेठ, शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता देवी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहानी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, कला और संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय। पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के पास 75,53,000 रुपए की चल और अचल संपत्ति है, जिसमें 16,68,000 रुपए की चल संपत्ति और 58,85,000 रुपए की अचल प्रॉपर्टी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में सीएम की संपत्ति में 18,000 रुपए का इजाफा हुआ। बिहार सरकार की वेबसाइट के अनुसार नीतीश कुमार के पास 28,135 रुपए नगद, जबकि विभिन्न बैंकों में जमा 51,856 रुपए की राशि है। अब बात करते हैं उनके कैबिनेट मंत्रियों की संपत्ति की। मिली जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के पास 75,000 नगद और बैंक खातों में 65,00,000 रुपए हैं। बॉन्ड शेयर्स में 5,38,000 रुपए जमा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बड़े भाई और सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनके पास 1,00,000 रुपए नगद है और विभिन्न बैंकों में 40,00,000 रुपए जमा है। 1,49,53,000 रुपए की चल संपत्ति भी उनके पास है। इसके अलावा नीतीश कुमार की सरकार में फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्टर लेसी सिंह ने घोषणा की कि उनके पास 1,00,00,000 रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इसके अलावा बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के पास 7,00,00,000 से ज्यादा की संपत्ति है। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर चंद्रशेखर ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करते हुए बताया कि उनके पास 1,96,00,000 रुपए की संपत्ति है, तो मंत्री अनीता देवी ने कहा कि उनके पास 1,24,00,000 रुपए की संपत्ति है। मंत्री मदन सहानी के पास 2,58,00,000 रुपए की संपत्ति होने की जानकारी दी है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के पास 4,42,00,000 रुपए की संपत्ति है और कला और संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय ने बताया कि उनके पास 3,65,00,000 रुपए की जमीन और मकान है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे नीतीश कुमार की कैबिनेट में अमीर मंत्रियों की भरमार है।